what is parallel, intersecting and perpendicular line and what are the definition for that and how could we represent it. So in today's class we are going to learn all about this. आज हम सीखेंगे कि हम कैसे parallel line को define कर सकते हैं और कैसे हम उसको represent कर सकते हैं. So I love to know, I love to learn. As always, let's get started. Parallel line. Parallel lines are the lines which have same distance apart. जो दो लाइन के बीच में का डिस्टेंस हमेशा के लिए सेम हो, हमेशा के लिए सेम हो, ऐसी लाइंस को हम पैरेलल लाइंस कहेंगे. और सेकंड थिंग कि ये लाइंस एंडलेसली ट्रैवल करेंगी, तो इन दोनों लाइंस के बीच में डिस्टेंस होने की वजह से, वो भी कांस्टेंट डिस्टेंस होने की वजह से, वो कभी एक दूसरे को मिलेंगी नहीं. सो द पैरेलल लाइंस नेवर मीट, पैरेलल लाइंस नेवर मीट. तो ये हो गई ए बी और ये हो गई सी. So how could we represent it? हम कैसे लिख सकते हैं? Line AB is parallel to line CD. ऐसे लिख सकते हैं इसको. This will be the representation of these lines. Understood? Now let's see what is intersecting line. Intersecting lines क्या होंगी? The lines which intersect or the lines that meet or cross each other. ओके, ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को क्रॉस करे, उन लाइंस को क्या कहेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस कहेंगे. देखो ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो यहाँ भी क्रॉस हो रही है ये, तो ये होगी सपोज ओ पी और ये होगी ए बी. ओके, तो ये दोनों लाइंस क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस है. कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको? इसको रिप्रेजेंट करने का कोई तरीका नहीं है, इसको लिखेंगे हम डायरेक्टली कि OP, लाइन OP इंटरसेक्ट लाइन AB. ओके, ऐसे कर सकते हैं, लाइन OP इंटरसेक्ट लाइन AB. नाउ लेट्स सी व्हाट इज परपेंडिकुलर लाइंस. परपेंडिकुलर लाइंस आर द लाइंस व्हिच मीट और क्रॉस ईच अदर एट 90 डिग्री. ओके, कि ऐसे क्रॉस होनी चाहिए ये एक दूसरे को कि बीच में 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए. ये देखो ये दोनों लाइन के बीच में कहीं पे भी मेजर करो, ये 90 डिग्री का एंगल होगा. सपोज ये AB है और ये XY है, तो ये होगी इंटरसेक्टिंग, होगी क्या? नहीं, ये परपेंडिकुलर लाइन होगी. ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर लाइन हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? AB, लाइन AB परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है. ओके, परपेंडिकुलर टू किसको? एक्स वाई को, लाइन एक्स वाई को, ये परपेंडिकुलर है. ओके, तो हम ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ऐसे होगी ये डेफिनेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइंस. ओके, तो आई होप दैट यू गाइस हैव अंडरस्टैंड व्हाट इज पैरेलल, इंटरसेक्टिंग एंड परपेंडिकुलर लाइंस. ओके, फॉर मोर वीडियोस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक. ओके, आपके लाइक से होता कुछ नहीं है, लेकिन मुझे मोटिवेशन मिलती है. ठीक है, एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स सो दे विल आल्सो गेट द बेनिफिट.